वहीं पिछले कुछ समय से देहरादून पुलिस द्वारा सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि सत्यापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब रेड़ी ठेले वालों का भी सत्यापन किया जाएगा। वहीं सिटी एसपी प्रमोद कुमार ने कहा कि बाहर से काम करने वाले लोगों, विशेषकर खली और रेड़ी वाले को सत्यापन किया जाएगा। वहीं क्योंकि अक्सर यह देखने को मिलता है कि बाहर से आने वाले लोग यहाँ पर अपराध कर फिर बाहर चले जाते हैं, इसलिए यह सत्यापन आवश्यक है क्योंकि इससे उनके पुराने हिस्ट्री पुलिस को पता चल जाती है। ये लगातार दून पुलिस के द्वारा जो है हमारे विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो ये रेहड़ी वाले हैं और ठेली वाले हैं, तो लगातार इनका भी और इसके अलावा जो भी हमारी ऐसी बस्तियां हैं कि जहां से बाहर से लोग आके जो बस गए हैं, या ऐसे व्यक्ति जो कि यहाँ पे बाहर से आके बसे हैं और कोई अपनी जो है कामकाज यहाँ पे कर रहे हैं, तो लगातार उनका जो है वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और देखिए, वेरिफिकेशन का उद्देश्य हमारा यही है कि ये पता करता है कि अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति तो यहाँ नहीं छुपा हुआ है, और जो पता चले कि बाहर से कोई संगीन अपराध वांटेड है या करके आ रखा होगा और यहाँ पे वो आश्रय किसी प्रकार से दे रखा होगा या छद्म रूप से किसी और कार्य उसके द्वारा किया जा रहा होगा, तो लगातार हमारे द्वारा जो है ये वेरिफिकेशन ड्राइव जो है विभिन्न हमारे थाना क्षेत्रों में लगातार ये चलाई जा रही है और आगे भी लगातार हम इसको जारी रखेंगे।